पोहरी ब्लॉक में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को अपनी जायज मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने पीएमओ कार्यालय के नाम पोहरी तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर एकजुटता दिखाते हुए ये प्रदर्शन किया है। यहाँ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनावी साल में सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए कर्मचारी आंदोलन की राह पर हैं। इसी क्रम में आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगों को लेकर रैली निकालकर प्रदर्शन कर पीएमओ कार्यालय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। आश्वासन दिया गया है तथा श्रीमान के संज्ञान में निरंतर लाए जाने के बावजूद आज दिनांक तक इन मांगों के लिए समाधान कारक बनते निर्णय प्राप्त नहीं हुए हैं। जायज मांगे पुनः श्रीमान जी के समक्ष ज्यादा प्रस्तुत हैं। नंबर एक यह कि मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए शासकीय सुविधाओं का लाभ तथा अन्य शासकीय कर्मचारियों की तरह की भांति दिया जाए। यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित 1500 रुपये प्रति एरियर्स के रूप में घोषणा दिनांक से लेकर आज तक का भुगतान किया जाए। नंबर दो यह है कि सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग की ओर से कम 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए एवं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायता और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान कार्ड लाडली बहना योजना की पात्रता में शामिल किया जाए। नंबर तीन यह है कि माननीय 10 वर्ष के अनुभव शिक्षा और वरिष्ठता के आधार पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पर्यवेक्षित पद पर बिना किसी परीक्षा के सीधे जल्द उन्नति की जाए और मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए। उत्तर प्रदेश में यह प्रक्रिया है। ज्ञापन दिया क्या कुछ मांगे हैं आपकी? ये हड़ताल भारतीय मजदूर संघ से नहीं है। हम तो सरकार की योजनाओं का काम भी करेंगे और उसके बदले दाम भी लेंगे। अभी तक हमारी मुख्यमंत्री ने सुनी है और अब भी आश्वासन दिया है कि हम वेतन बढ़ाएंगे तो वह हमारी उम्मीद पूरी करेंगे।